इसका पहला वाला पार्ट आपने नहीं सुना है तो एक बार देख लीजिएगा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है जिसके अंदर सुमित, राहुल, पारस अपने ऑफिस से आए हैं और साथ में एक समस्या ले आए जिसको लोग भूत प्रेत आत्मा कहते हैं। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन हूँ। यह है चाचा के फैक्ट्स, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी कुछ अलग है, साथ ही साथ इसके अंदर उम्मीद भी नहीं थी कि ये प्रेत इनके घर तक, इनकी फैक्ट्री तक या ना जाने इनके पूरे खानदान तक, जिसमें कि इंक्लूड हो गया इनका गांव का परिवार सारा, क्या आ सकता है या इनके मन का वहम था। सुमित के बारे में मैं पहले पार्ट में बता चुका हूं कि कितना ज्यादा डरता है या किन किन बातों से डरता है। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर शुरू करता हूं। कहीं मत जाना, पूरी कहानी सुनना। हर हर महादेव। अच्छा, कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को इस तरह की और कहानियां देखने के लिए। सुमित के साथ जो समस्या हुई थी उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि कहां पे मैंने पिछले भाग को छोड़ा था। सुमित के साथ जो प्रॉब्लम हो रही थी उसके अंदर राहुल के चाचा तो ये बात बोल रहे थे अपने भैया को कि सब लोग गाड़ी में बैठो और इस लड़के को ऐसे ही छोड़ दो, लेकिन राहुल के पापा ने साफ साफ बोल दिया कि ये लड़का भी हमारे साथ घर जाएगा, ये दोस्त है इसका और ऐसी परेशानी में इसको छोड़कर नहीं जा सकते। इन सभी ने अपनी आंखों से देखा था उसके बालों का गुच्छा उतर गया था दीवार पर। उसे गाड़ी में बिठाते हैं और बोलते हैं कि इसके सिर पर हाथ रख लो, इसके बहुत ज़्यादा चोट आई है, पहले किसी हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ जब थोड़े नॉर्मल हो जाएगा उसके बाद इसके घर जाएंगे। अब इन्होंने उसके सिर पर तो हाथ रख लिया लेकिन ऐसा कुछ फील नहीं हुआ जैसे कि यहाँ पर से बाल उतरे हैं। पापा एक मिनट गाड़ी रोकना, क्या हुआ बेटा? एक मिनट गाड़ी रोको तो सही, आप गाड़ी की लाइट ऑन कर दो। जो बीच में गाड़ी में लैंप होता है उसे ऑन करा, उसके सिर पर पूरे पे हाथ घुमा कर देखा, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। बालों का गुच्छा जो इन्हें दिख रहा था इतना सारा उतरा, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। सुमित हंसकर क्या कहता है कि किसे ढूंढ रहा है, किसे ढूंढ रहा है, मैं तेरे सामने ही तो बैठा हूं। सुमित देख, नॉर्मल तरीके से बात कर, ये किस तरह से बात कर रहा है। अब ये सुमित जिस तरह से हंस रहा था ना बार बार, क्लियर हो गया था इस पे कोई हवा तो आ गई है, लेकिन अब यहां से इसके घर पर जाएंगे उससे अच्छा है ना कि किसी ऐसे पंडित पुरोहित के जाए जिन्हें इन चीजों के बारे में पता हो। जो राहुल के चाचा है ना, ये किसी पंडित जी के संपर्क में थे, उन्हें सारी बातें बताई। उन्होंने कहा जी ये साया है और कोई बुजुर्ग का साया है, अगर किसी तरह से आप पता कर सको, पूछ सको, बातों बातों में बता पाए कि वो कौन है, कैसे गया था, क्या उसकी इच्छा है, कहाँ से ये साथ हुआ है, कुछ भी अगर वो बता दे आपको तो हमारे लिए आसानी रहेगी। उन्होंने कहा कि जी वो कुछ नहीं बोल रहा, हर बात पर बस हंस रहा है और इसकी हंसी थोड़ी भयभीत कर रही है और थोड़ा भारी हो रहा है ये लड़का, ऐसा लग रहा है हमें देखने में। उन्होंने कहा मतलब कह रहे इसके चेहरे पर जैसे बड़पन होता ना, इस तरह का दिख रहा है और अभी हमें गाड़ी में तकरीबन 15-20 मिनट ही हुए हैं चलते हुए, और वास्तव में उसके चेहरे पर ना एक तरह की सूजन आई हुई थी, उसकी आंखें धीरे धीरे छोटी हो रही थी, उसके चेहरे पर तमाम झुर्रियाँ होती जा रही थी, और ये कोई 4-5 साल नहीं हुए इस बात को, कुछ ही समय हुआ है जिस वक्त ये कह रहा हूँ कि मैं। आपने अजगर का भी देखा होगा कि अगर वो अपने शिकार पर आता है तो वो उसे लपेट कर उसकी हड्डियों को चूरा कर देता है, फिर उसके बाद निकलता है और फिर धीरे धीरे अपने भूख के अनुसार खाता है। ये वो प्रेत था इस पर, जिसने इस पर लपेटा कर लिया था, ऐसा पंडित जी की भाषा जो है वो मैं बता रहा हूँ। ये बहुत कोशिश करते रहे लेकिन इन्हें जवाब कुछ नहीं मिला। यहाँ से सीधा इन पंडित जी के गए, बीच में ना जाने कितनी बार सुमित के घर वालों का फोन आ गया, बार बार कभी राहुल फोन उठाता, कभी पारस कि हम पापा के साथ ही हैं, गाड़ी में हैं, थोड़ा हम खाना खाने के लिए बाहर आ गए थे, देर हो गई है। अब वो फैमिली बार बार कहे ठीक है आप कहीं भी हो लेकिन बात तो कराओ। अब बात कैसे कराएं उससे, उस पर तो समस्या ऐसी चल रही है, आंखें भयंकर लाल हो रही हैं और बस वो ऐसे सिकुड़ा बैठा है, मतलब उसको देख कर पता पड़ रहा था कि इसकी तरफ कोई बिना दिखती हुई रस्सी लपटती जा रही है और ये सिकुड़ता जा रहा है, उसकी गर्दन मोटी होती जा रही है, नसें दिखनी शुरू हो गई हैं, चेहरा भारी हो रहा है।
जब पंडित जी के पहुंचे तो ये लड़का चल नहीं पा रहा था। और ये जो चीजें हैं ना जो आप सुन रहे हो, इनमें बहुत सारी चीजें मैं कम करके बता रहा हूँ। आज की जो कहानी है ना, इसमें देखिए मसाले तो अपने से किसी भी कहानी में लगते नहीं। हाँ, मेरे से बहुत बार गलती हुई है कि मैंने नाम शबनम था या मैंने सुनैना बोल दिया, पूनम बोल दिया, ठीक है, होती है वो मिस्टेक, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं ऐसा कुछ बोल दूँ कि नारियल खोला भूत प्रेत निकल गए, ये सब नहीं है। जो नेचुरल है, ठीक है। मुझे लोग कहते हैं कि नितिन पहले जैसी डरावनी कहानी नहीं आ रही, और डरावनी बनाओ, और डरावनी भयभीत। देखिए मैं कहानियाँ बनाता नहीं हूँ, सुनाता हूँ। जिस दिन बनाने पे आ गया ना, उस दिन तो ना जाने कैसी कैसी बनेंगी। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप सुझाव दीजिए, लेकिन मेरे को बाकियों से कंपेयर मत करो। वो सब बहुत ऊंचे लोग हैं, अपने को तो बस जो आई और वो सुना दी। आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगता तो डिसलाइक कर सकते हैं, और राय दे सकते हैं कि कैसे बेहतर किया जा सकता है। अब सुमित देखने में कुछ अलग सी प्रजाति होता जा रहा था, देखने में मतलब उसे डर लग रहा था। इसको कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ चले और पंडित जी तक आए, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि इसे उठाकर नहीं लाना, लड़के को इसका पैर जमीन पर लगना चाहिए, वरना तो उसे उठाकर चार पांच लोग अंदर ले आएंगे घर में। पंडित जी ने कहा नहीं, इसका पैर जमीन पर लगना जरूरी है, इसको चलाओ। उसका पैर आगे सरकाने में दो लड़कों की पूरी जान लग रही थी और ये सिर्फ हंस रहा खड़ा हुआ। पंडित जी ने कहा कि अरे तू अंगद का पैर मत बना, तू देख तो ले कहां पर खड़ा है, अब मुझे ही अंदर जाकर छड़ी लानी पड़ेगी, अपने आप आ जाएगा। अब ये अंदर एकदम आया और पंडित जी के जो घर की दीवार है उससे लगकर जमीन में बैठ गया एकदम ऐसे, और जमीन पर इस तरह से बैठा हुआ है कि तू चला जा। पंडित जी को बोलता है तू चला जा यहां से। पंडित जी ने कहा हाँ मैं चला जाऊंगा, और जगह तेरी है, घर तेरा ही है, मुझे बताएगा कौन है। उसने इस तरह से मना किया। अभी ये घर के अंदर नहीं आए हैं, मतलब रूम में नहीं आए हैं, जो बाहर बरामदा होता है वहीं पर है। जो पंडित जी के मम्मी पापा हैं वो आते हैं, पूछते हैं कि बेटा बड़ी समस्या है तो हम जो अग्नि है वो लाएं बाहर। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं अंदर ही लेकर जाऊँगा। ऐसे अभी बच्चे से पूछते हैं कि बेटा क्या नाम है तेरा, वो नाम ना बताए। इसके दोस्त बोल रहे थे राहुल और पारस की सुमित नाम है और हमारे साथ ही काम करता है। राहुल ने बताया जैसे ही, तो राहुल के पापा और चाचा बोलते हैं कि ये हमारा बेटा है और समस्या इसके दोस्त के साथ हुई, अभी इसके घर वालों को नहीं बताया। कह रहे जी बताना भी नहीं, अगर आपने इसके घर से संपर्क किया तो ये जो इस पर है ना लड़के पर, इसे इसका घर पता चल जाएगा। घर, कुनबा, गांव कुछ भी अगर इसकी नज़र में आ गया प्रेत की, तो ये और किसी पर भी खेल जाएगा। इस पर से अभी हटेगा और तुरंत आपके गांव से या कहीं से फ़ोन आ जाएगा कि ना जाने कैसी परेशानी हो गई है, घर में ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये भी मुझे एक नई बात पता चली है कि ये इस तरह का जो लपेटा बनाकर अपनी विश के लिए आता है, कि मैं आपको कैसे बताऊं, ये जो बुज़ुर्ग है इसकी कोई आखिरी इच्छा, ठीक है, और ये कोई इच्छा जो होती है ना ऐसी कोई भारी नहीं होती, बहुत छोटी छोटी विश होती हैं। इसकी विश भी सुनोगे तो आप हंस कर कहोगे कि ये क्या बात हुई। लेकिन इस लड़के के प्राण जाते जाते बच गए। वो तो पंडित जी के पास पहुंचे और ठीक समय रहते इस पर से उतारा हो पाया, अदरवाइज मुमकिन नहीं था। ये लड़का 100% बोल रहा हूँ घर तक नहीं पहुंचता, जिस तरह की हालत कर दी थी उस आदमी ने। पंडित जी ने पूछा अपना नाम बता, उसने बताने से मना करा। खूब देर तक चेहरा हिलाता रहा, जमीन से कभी आसमान की तरफ देखने लग जाए, कभी दीवार की तरफ देखने लग जाए, मतलब पंडित जी की नज़र में नज़र नहीं मिला रहा था। पंडित जी ने राहुल और पारस को कहा कि बेटा आप दोनों जाकर गाड़ी में बैठो। नहीं नहीं हमारा दोस्त है, हम इसके साथ रुकना चाहते हैं। कह रहे बेटा जो कह रहा हूँ वो समझो और जाओ यहाँ से। जो राहुल के पापा और चाचा हैं उन्होंने कहा कि हम बच्चे के साथ हैं, तुम जाओ। वो गाड़ी के अंदर नहीं गए, बस गाड़ी से लगकर खड़े हो गए और देख रहे थे। पंडित जी ने बहुत बार इसे कहा लड़के को कि जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे, नहीं तो अपने पैरों पर खड़ा हो जा। उन्होंने जैसे ही कहा ना अपने पैरों पर खड़ा हो जा, तब इन्हें पता पड़ा ये जो बुजुर्ग है इसकी लंबाई 6 फुट से ज़्यादा थी, 6 फुट 2 इंच 3 इंच कुछ ऐसी, क्योंकि इनका जो दोस्त है ना सुमित, इसकी लंबाई 5 फीट 5 फीट 1 इंच होगी मैक्सिमम। लेकिन जैसे ही पंडित जी ने इसे बोला ना कि अपने पैरों पर खड़ा हो और बात का जवाब दे,
तो बुजुर्ग अपने पैरों पर खड़ा हो गया। इसके पैर हवा में थे ऐसा, क्योंकि गेट बंद था ना, तो बाहर से तो यही लग रहा था कि पैर हवा में है। और इनके घर वालों का सबका ये कहना था, जो इनके पापा और चाचा थे, कि वो नाखून पर खड़ा था शायद लड़का, या ये भी कह सकते हैं कि हवा में था कुछ सेकंड के लिए और फिर वो जमीन पर बैठ गया। हंसता है और पंडित की तरफ देखकर चेहरा घुमाना शुरू कर दिया। पंडित जी ने इन दोनों से कहा कि इस पर जो है वो बहुत जिद्दी है और काफी चीजें हैं जो इसकी मंगानी पड़ेंगी। इसके घर तक तो जाना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इसके घर यानी बुजुर्ग ये जो आया हुआ है ना इसके ऊपर, इसके घर जाने का मतलब है इसका गांव पता लगाना है, इसके बारे में पता लगाना है, और उसमें समय जाएगा। उतना समय आपके इस सुमित के पास नहीं है। ये आया ही इस वजह से है कि बस ये लड़का कुछ घंटे में ये अपने साथ ले जाएगा और अपने आप को मजबूत कर रहा है। पंडित जी का ये कहना है कि ये आपको आसान भाषा में बताता हूं कि जब से ये आदमी प्रेत बना है उसका पहला है ये, जिस पर ये अपना असर दिखा रहा है। इससे पहले किसी पर ये वाली प्रेत आत्मा वाली बात हुई नहीं है। ये आदमी ने पहली बार किसी इंसान को इस तरह से पकड़ा है। जो जानवर को दिखता है वो भी आत्मा ही होती है, आती जाती। आपने सुनी होंगी ये वाली बातें और कहानियां कि क्यों गाय एकदम खूंटे से अपना सिर हिलाने लग जाती है, बैठे बैठे क्यों परेशान हो जाती है, क्यों आपका दिया हुआ घर का खाना वो नहीं खा रही है, ताज़ा लाए हो आप तो नहीं खा रही है, आप किसी के सिर पर से एंटी क्लॉक रोटी घुमाकर गाय को खिलाना, पता पड़ जाएगा क्या कह रहा हूँ। फिर मैं अपनी बातों से हटकर आ गया, कहानी पर रहूँगा मैं। सुमित के साथ जो हो रहा था इनके पापा और चाचा ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह की भी समस्याएं होती हैं। इस लड़के को पंडित जी ने इस तरह से थोड़ा सा बाल पकड़ के अंदर की तरफ कहा, अंदर चल वरना यहाँ पर ही अभी मुक्ति मिल जाएगी, अंदर चल अपनी बात बता। अंदर तक लेकर आए। लाने के बाद वो जो झाड़ू होती है ना, सीखों वाली झाड़ू, वो इस तरह से स्क्वायर बनाया उसका, दो चार झाड़ू की सीख, दो चार झाड़ू की सीख, इस तरह का स्क्वायर बनाकर उसमें बिठाया। राहुल और पारस बाहर खड़े खड़े चिंतित हो रहे थे, चुपचाप वो भी गेट खोलकर अंदर आ गए और खिड़की से देख रहे थे। राहुल और पारस का ये कहना है कि उस चाकोर के अंदर वो जो स्क्वायर बनाया था उसमें हमारे सुमित के साथ एक आदमी और बैठा हुआ है जो इन्होंने खिड़की से देखा है। उस आदमी की गर्दन पूरी घूमती हुई इन्होंने देखी है। इनके मुंह से आवाज नहीं निकली, चीखना चिल्लाना चाह रहे थे लेकिन डर के मारे मुंह खुला का खुला रह गया। पंडित जी ने इन दोनों को देख लिया था खिड़की से कि अंदर देख रहे हैं। यहां बहुत तरीके के कोशिश करी गई उतारे के लिए लेकिन हर बार सुमित कुछ ना कुछ बिगाड़ देता था, मना कर रहा था, जिद्दी था, कोई उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई उसकी विश नहीं है, बस ये है कि उसे जाना नहीं है। क्यों आया है नहीं बताऊंगा, इसी पर कैसे आया, इसका किसी चीज पर पैर लगा, कहां से लगा, तू कैसे आया, कुछ नहीं बता रहा था। बहुत कोशिश करी इन पंडित जी ने लेकिन जब ऐसा लगा कि अब मैं इसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा, उन्होंने अपने माता जी को आवाज दी कि भैया आपको एक बार आना पड़ेगा। देखिए जिन पर काली मैया की सिद्धि होती है ना वो कुछ अलग होते हैं, बहुत अलग होते हैं, कुछ नहीं बहुत अलग। इनकी मैया ने आकर कहा कि बेटा ये जो भी है इसको यहां कलश में ही रोकना पड़ेगा तुझे, और मैं नहीं करूंगी अभी क्योंकि मैं अभी किसी की पूजा कर रही हूं, उनकी पूजा अधूरी रह जाएगी, 3 दिन से उनके यहां पूजा चल रही है, इसलिए मैं आज इस बालक की तो पूजा नहीं कर पाऊंगा, या तो 2 दिन के लिए रोक ले। उन्होंने कहा मैया ऐसा है कि जो चौकर बनाया था, मतलब वो जो स्क्वायर था सॉरी, उसके अंदर वो बैठ तो गया है लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा। बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट हो जाए माता पिता के कदमों के कदम नहीं मिला पाएगा, पीछे ही रहेगा, तभी तो वो माता पिता है ना। माँ ने एक इन्हें सलाह दी, इन्होंने वो सलाह एक्सपेरिमेंट करी,
और ये पहली बार कर रहे हैं पंडित जी, वैसे इन्हें भी ज्ञान है, 8-9 साल हो गए इस चीज़ में, और लोगों को बहुत मदद भी मिली है और बहुत जगह ये फेल भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि भाई जो इनके पास गया उतारा हो गया, इन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। बहुतों के साथ हुआ है ऐसा, जो इनके पास आते हैं इन्होंने कोशिश करी और जब नहीं हुआ तो मना कर दिया कि जी ये कहीं नहीं जाने वाला, ये एक तरह आपके खाल से ऐसा लग चुका है ना, नहीं होगा अलग। अब यहाँ पंडित जी ने जो मैया ने बताई वो चीज़ ट्राई करी, उसमें सुमित खेल गया। इसने एकदम से आवाज़ बदल के बताई अपना नाम, गया कैसे था, इस बच्चे के साथ कहाँ से आया है, क्यों आया है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, सब बताया। इन्होंने जो चीज़ मांगी बुजुर्ग ने वो इन्हें ला कर दी। इन्होंने यहाँ पर उसका भोग लगाया। पंडित जी ने एक गलत काम किया, प्रेतों को देखिए गुस्से से क्रोध होकर या आप अपना ज़्यादा वजन दिखाकर नहीं कुछ कर पाओगे उसका, हाँ उसे बहलाकर या उसको लालच देकर आप कभी कभी जिन पर समस्या है उससे उसे हटा लेते हो, समझ रहे हो ना, इसको लालच दिया और ये उस लालच में आ गया। जैसे ये हुआ ना, इन सभी ने अपनी आंखों से उसके चेहरे को सूखता हुआ देखा, जो चेहरा फूल गया था, शरीर अकड़ गया था, जो पैर का अंगूठा है ना वो ऐसा हो गया था जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 3-4 अंगूठे पैर में लग गए हो, इतना बड़ा इसका अंगूठा हो रहा था। वो आदमी जो था ना, बुजुर्ग जो था, वो प्रॉपर गांव से था और गांव के लोगों का शरीर आपके शहर के शरीर से बहुत मजबूत होता है, मानते हो, बहुत सारी समस्याएं जो शहर में हो जाती हैं पिज़्ज़ा बर्गर वालों को वो वहाँ नहीं होती हैं। वहाँ का खाना पीना देसी घी वगैरह जो है, शहर वाले बहुत ऐसे हैं जो झेल भी नहीं पाएंगे। और वो अभी अपने गुस्से में आया ही नहीं था, ये तो उसका नॉर्मल एक तरह का जोन था जिसमें सुमित की ये हाल हो रही थी। पंडित जी ने वो जो प्रेत था उसे एक लालच दिया और एक इनके घर में छोटा सा खिलौना था, और खिलौना इसलिए बोल रहा हूँ, वैसे देखने में खिलौना नहीं होता, वो खिलौना बोला जाता है प्रेत के, उसमें किस चीज़ को समझाऊं मैं आपको, वो मेरे एक दोस्त के पास भी है, अगर मिला और वीडियो अपलोड करने से पहले तो मैं एडिटिंग के दौरान लगा दूंगा, अदरवाइज इंस्टा पे कोशिश करूंगा कि आपको दिखा पाऊं वो क्या चीज़ होती है। आज की डेट में जो पैरानॉर्मल रिसर्च कर रहे हैं ना लोग, उनके पास भी एक गैजेट होता है, हाँ थोड़ा सा अलग तरह का होता है लेकिन खिलौना भी बोलते हैं। उस पर उसके आसपास जैसे कोई प्रेत अपनी गतिविधि करेगा, मूवमेंट भी होती है, उसमें आवाज़ भी आएगी, एक ऐसा ध्वनि आपको सुनाई देगा जिसे आप खुद कितनी भी कोशिश कर लेना ऐसे ऐसे करके बजाने की, वो आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन अगर उसके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है या प्रेत आया तो वो वाला साउंड आता है, किसी बिजली इलेक्ट्रॉनिक आइटम से किसी से नहीं चलता है वो, बस एक कलाकारी है, किसी विशेष पंडित ने ही बनाया होगा उसे, मैं नाम तो जानता नहीं, लेकिन चीज़ है, मैंने देखी है खुद और मेरे दोस्त के पास भी है। उस खिलौने पर पंडित जी ने उसे बिठाया, बिठाने के बाद कहा कि अभी कुछ देर के लिए इस लड़के की स्थिति नॉर्मल होगी, कुछ देर के लिए, उतनी देर में इस बच्चे को आपको इस घर से दूर लेके जाना है, बाकी अपने दोनों दोस्तों से बोल देंगे कि इसे ले जाएं। राहुल के पापा ने बुलवाया कि राहुल बेटा अंदर आ, अपने दोस्त सुमित को उठाओ, गाड़ी में रखो, और पारस, राहुल, सुमित तुम तीनों गाड़ी लो और निकल जाओ। पापा आप कैसे होगे, तू घर जाने के बाद एक ड्राइवर के साथ गाड़ी भेजती हो, खुद मत आना। ठीक है पापा, आप लेकिन ठीक हो ना, अरे हम सब ठीक हैं, तू जा। ये बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने, ये सीधा यहां से अपने घर गया, घर जाने के बाद फोन करता है सुमित के पापा को और उन्हें कहता है कि सुमित को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था अंकल, तबीयत बिगड़ गई थी तो मैंने पापा को फ़ोन कर दिया, पापा गाड़ी से घर ले आए और अब वो घर में खाना वगैरह खा लिया है, सो रहा है। उन्होंने कहा बेटा क्या हम उससे बात कर सकते हैं? नहीं नहीं अंकल, अभी वो सोया है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, डर गया था किसी चीज़ से अंकल।
अच्छा, तो बेटा सब ठीक है ना? हाँ जी अंकल, तो बेटा ध्यान रखना उसका, मैं कोशिश करता हूँ एक बार आपकी बात करा देता हूँ। नहीं, एक काम कर, अपने पापा से बात करा सकता है? अब पापा और चाचा तो वहाँ पंडित जी के हैं, बात कैसे होगी? अंकल मैं पापा से अभी बात नहीं करा पाऊंगा, जैसे इसने बोला ना, सुमित एक बार हंसा वैसे ही जैसे उस पर प्रेत था तब हंस रहा था। इसके हाथ से फोन छूट गया कि मतलब हम तो ये सोच रहे थे अब इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोन छूटा और वो फोन ऑफ हो गया। दोबारा से इसने फोन ऑन करा और अपने पापा को फोन करा पहले, राहुल ने, कि अभी मैं सुमित के पापा से बात कर रहा था, ये दोबारा से वैसे ही हंसा है। पंडित जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बेटा, तुम निश्चिंत रहो, सब कुछ ठीक है, बस उसके पापा को आप कंफर्म कर दो कि सब सही है, लेकिन जो तुमने सुना वो गलत होगा, वो नॉर्मल हंसा होगा। कह रहे नॉर्मल नहीं हंसा पंडित जी, हम अपने दोस्त को आज से नहीं जानते हैं। बेटा ऐसा होना तो नहीं चाहिए, तुम्हारे कमरे में अगर कहीं भी आईना है तो उसे ढक दो। तो क्या हमारे घर तक आ गया अंकल कुछ? नहीं, कुछ नहीं है, तुम बस मैं जो बता रहा हूं वो करो, उस बच्चे को शीशे के सामने मत आन देना। अब इन्होंने ऐसे ही करा, सुमित के पापा का फोन आ गया राहुल को कि बेटा फोन ऑफ हो गया था, क्या मैं बात कर सकता हूँ तुम्हारे पापा से? उन्होंने कहा अंकल पापा मुझे बहुत डांटेंगे क्योंकि हम थोड़ा देर हो गए थे, और वैसे तो पापा ने ही इसको यहाँ घर तक पहुँचाया है, मतलब हम तीनों को, लेकिन बहुत गुस्से में है पापा, प्लीज़ अंकल मान जाओ। उन्होंने कहा चलो ठीक है, लेकिन जैसे ये सोकर उठे, किसी भी वक्त उठे, तो मुझे फोन करके बता देना। सुबह जब ये उठा लड़का, इसे कुछ भी याद नहीं, बस एक बात तो पता है कि जब हम ट्रेन में बैठे थे तो मेरा पैर किसी ने खींचा था, बस इतना, बीच का कुछ भी नहीं पता। इसके नाम पर पंडित जी ने पूजा करी थी और उस पूजा में एक बार इसके मम्मी पापा को भी बैठना था, सब बता दिया था उन्हें बाद में। लेकिन ये कहते हैं कि आज की डेट में अगर सुमित कहता है ना कि वहां कुछ है, तो पहले तो इसकी बात पर मजाक होता था, अब वास्तव में चेक करते हैं कि कुछ है तो नहीं। आज के अनुभव में इतना ही, कैसा लगा बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।